सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि जब गाइज आप फ्लिपकार्ट में नंबर को डाल करके अपने अकाउंट को लॉग इन कर रहे हैं, तो यहाँ पे गाइज आपका जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है वो यहाँ पे नहीं लॉग इन हो पा रहा है, और फाइनली गाइज आप अपने ब्लॉकेड अकाउंट के यहाँ पे देखिए इशू आ जा रहा है। तो फाइनली गाइज इस वीडियो में मैं आपको दिखा लूँगा कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कैसे सही करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे आपको 100% सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा उसको जानने के लिए गाइज आप इस वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए। तो फाइनली गाइज चलिए मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सो फाइनली गाइज अब चलिए बताता हूँ कौन सा एज स्टेप है जिसको फॉलो करेंगे आज यहाँ पे जो आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ फ्लिपकार्ट अकाउंट, इसको आप यहाँ से कैसे अनब्लॉक करेंगे, कैसे अनलॉक करेंगे। तो चलिए गाइज यहाँ से मैं आपको शुरू से बताता हूँ। और गाइज अभी आप यहाँ पे देखिए मैं अपने फोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है, अभी आपके फोन में आपका जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है इस पर आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करना है 2-3 सेकंड के लिए। और गाइज जैसे प्रेस करेंगे तो सिंपली गाइज आप क्या करेंगे, इस जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है आपके फोन में अभी आप यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। तो इस फोन आप स्टोर से भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज आप यहाँ पे इसको मिला जुला करके किसी भी तरह से इसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे। वेल गाइज अब देखिए जैसे एप्लीकेशन यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाता है तो सिंपली गाइज आप क्या करेंगे, आप दोबारा प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ से गाइज आप दोबारा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को सर्च करके आप इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप सर्च करेंगे और आप यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे दोबारा। सो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे ही आप इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ ओपन करेंगे। वेल गाइज अब देखिए जैसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले गाइज आप यहाँ से अपना लैंग्वेज चूज करेंगे। लैंग्वेज जैसे चूज करेंगे तो आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए लिखा लॉग इन टू गेट स्टार्टेड का। तो सिंपली गाइज अभी यहाँ पर आपका जिस भी नंबर से अकाउंट बना था, जिस भी नंबर के साथ आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो उस नंबर को आप यहाँ फिलअप करेंगे। अगर गाइज आपने अकाउंट बनाते समय नंबर नहीं इस्तेमाल किया था, अगर आपने ईमेल आईडी वगैरह इस्तेमाल किया था, तो आप यहाँ यूज ईमेल आईडी पे क्लिक करके आप यहाँ ईमेल आईडी भी फिलअप कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए गाइज यहाँ से मैं नंबर को फिलअप करता हूँ। तो अभी देखिए जहाँ से मैंने अपना नंबर यहाँ से फिल कर दिया, अब चलिए गाइज यहाँ मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सो गाइज अब आप यहाँ पर लाइव देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने अपना नंबर एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक किया तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए मेरे सामने इशू आ गया ब्लॉकेड अकाउंट। तो सिंपली गाइज अब चलिए बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो इशू है क्यों आया है, और गाइज मैं आपको आगे दिखाता हूँ उसका क्या एग्जैक्टली सॉल्यूशन है। तो देखिए गाइज यहाँ पर जो इशू है उसके लिए आया है क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। तो फाइनली गाइज चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो अकाउंट है वो आपका ब्लॉक क्यों हुआ है, इसके बाद गाइज मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए इसके ब्लॉक होने के पीछे दो मेनली रीजन है। तो देखिए जो फर्स्ट रीजन वही है फ्रेंड की, हो सकता है कि आपने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया हो और डीएक्टिवेट करने के 30 दिन बाद भी अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉग इन कभी नहीं किया हो, तो जिस वजह से गाइज या जो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। और इसके ब्लॉक होने के पीछे जो सेकंड रीजन है फ्रेंड वो ये है फ्रेंड यहाँ पर कि क्या हुआ होगा कि आपने फ्लिपकार्ट अकाउंट के थ्रू कुछ उल्टा एक्टिविटी किया होगा, अनहेल्दी एक्टिविटी बोलते हैं इसको टेक्निकल भाषा में। तो इस तरह से गाइस आपका अकाउंट होगा वो यहाँ ब्लॉक हो चुका होगा। तो फिलहाल गाइस अभी कोई बात नहीं है, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है ब्लॉक कर सकते हैं बहुत इजीली। तो गाइस यहाँ पे देख लिखा हुआ ब्लॉक्ड अकाउंट और यहाँ पे देख लिखा हुआ सेंड योर रजिस्टर्ड ईमेल फोन नंबर टू अकाउंट वैलिडेशन @flipkart.com। तो सिंपली गाइस अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो भी अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो कई बार क्या होता है गाइस कि आपने अगर अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट ईमेल आईडी के थ्रू बनाया हुआ है, तो अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पे जो अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हुआ है, तो सिंपली गाइस आप क्या करेंगे, अकाउंट वैलिडेशन @flipkart.com को आप यहाँ मेल करेंगे अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिख करके, या फिर अगर आपने फोन के थ्रू बनाया है तो आप फोन नंबर लिख करके इसको मेल करेंगे। मेल कैसे करेंगे चलिए गाइस मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाता हूँ। तो अभी गाइस आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन से पूरी तरह से एग्जिट हो जाना है, और जैसे आप एग्जिट हो जाते हैं तो सिंपली गाइस आप अपने फोन में क्या करना है, जो जीमेल एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे। वेल गाइज अब देखिए जैसे आप ये जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उसका जो होम डैशबोर्ड होगा देखिए इस तरह से ओपन होगा। तो सिंपली गाइज अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे गाइज आपको एक ऑप्शन होगा कंपोज का, तो आप यहाँ कंपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेल गाइज अब देखिए जैसे आप यहाँ कंपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। तो फिर गाइज अगर आपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में जिस ईमेल आईडी के थ्रू बनाया था, तो अगर वो ईमेल आईडी करेंट में एक्टिवेट है तो आप उसी ईमेल आईडी के थ्रू आप यहाँ मेल करेंगे इनको। तो फॉर्म में आप उस ईमेल आईडी को यहाँ चूज करेंगे। अगर गाइज आप यहाँ किसी और ईमेल को चूज करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, चाहे दूसरे ईमेल आईडी भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे गाइज यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे टू वाला है, टू मतलब आप किसको भेजना चाह रहे हैं इस ईमेल को। तो सिंपली गाइज आप यहाँ पे फिलअप करेंगे अकाउंट वैलिडेशन @flipkart.com। तो सिंपली गाइज आप यहाँ टू वाले सेक्शन में फ्लिपकार्ट की जो ऑफिशियल मेल आईडी उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे फ्लिपकार्ट अकाउंट वैलिडेशन @gmail.com। तो आप यहाँ पे कुछ मेंशन करेंगे और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मिला हुआ है, मतलब किस विषय पर वार्तालाप करना चाहते हैं। तो आप यहाँ सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस लिखेंगे कि माय फ्लिपकार्ट अकाउंट हैज बीन ब्लॉकड, सो आई नीड टू अर्जेंटली दिस अकाउंट, आई वांट टू जस्ट ओपन दिस अकाउंट। तो जैसे गाइस आप यहाँ सब्जेक्ट में लिखेंगे और सिंपली गाइस आप यहाँ कंपोज ईमेल पे आएंगे और आप यहाँ पे खूब बकायदे लिखेंगे। तो यहाँ पे गाइस आपको जो भी चीज लिखना है उसको मैं अपने वीडियो के सिस्टम में दे दूंगा, आप वहाँ से सीधे कॉपी करके यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस चलिए मैं इसका एक ओवरव्यू बताता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो सिंपली गाइस
यहाँ पे लिखेंगे कि डियर फ्लिपकार्ट टीम, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू डेट प्लीज यू ओपन दिस माई फ्लिपकार्ट अकाउंट, आई हैज एंट्री इन दिस अकाउंट, सो प्लीज रिक्वेस्ट आई टू डेट प्लीज यू ओपन दिस माई फ्लिपकार्ट अकाउंट। तो सर सर गाइज आप यहाँ मैसेज टाइप करेंगे, सर सर गाइज आप यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे और सब लिखिए। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप यहाँ नीचे लिखेंगे कि मेरा जो मोबाइल नंबर था मैंने इस नंबर के थ्रू अपने अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। तो सिंपली आप जिस भी नंबर के साथ अकाउंट ब्लॉक हुआ वो नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस ये सब मेंशन करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली अभी आपको जो इशू आ रहा था उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सिंपली गाइस आप यहाँ क्लिक करेंगे, और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ अटैच फाइल पर क्लिक करके उस फोटो को आप यहाँ अटैच कर देंगे, और सिंपली गाइस आप यहाँ इस सेंड एरो पर क्लिक कर देंगे तो जो ईमेल होगा वो यहाँ पर सेंड हो जाएगा। तो फाइनली गाइस आपको बताता हूँ कि जैसे ईमेल सेंड हो जाएगा तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो देखिए गाइस अगले नेक्स्ट 48 आवर्स बाद या फिर 72 आवर्स बाद आपको मेल आएगा। अगर गाइस आपका अकाउंट अनब्लॉक होना रहेगा तो वहाँ पर अनब्लॉक हो जाएगा, बट गाइस अगर आपका अकाउंट अनब्लॉक नहीं होगा केवल ब्लॉक ही रहेगा तो उसके पीछे क्या रीजन है वो यहाँ पे फुल्ली मेंशन रहेगा। तो इस तरह से गाइस आप बहुत जल्दी अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट को अगर ब्लॉक हो तो अनब्लॉक कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी या फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फिलहाल गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस फिर किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।